हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। लास्ट लेक्चर में अपन ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात की थी। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन की। तो हेडिंग डालिएगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसका? एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, लास्ट टर्म में या लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, और उसके अंदर अपन ने जो क्वांटिटीज के लिए अपन ने थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फाइंड आउट किए थे वो थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, हीट एंड वर्क। इन क्वांटिटीज का आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन अपन ने फाइंड आउट किया था। इन्हीं क्वांटिटीज को अपन यहाँ पर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हमें पता है कि Q कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हीट की, दैट इज Q। एडियाबेटिक में Q रहता है कांस्टेंट, दैट मीन्स dQ इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन होगा? तो वही, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड क्यू हमें पता है फॉर एडियाबेटिक इट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो क्या रिलेशन बचता है आपके लिए? डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर? इससे क्या पता लग रहा है कि अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। या मैं ऐसा बोल दूं कि सिस्टम पे जो वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी के लिए क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। क्लियर? ओके, एंड अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं दोनों तरफ फॉर स्मॉल चेंजेस, स्मॉल d लगेंगे अपन। क्लियर? इज इक्वल टू E स्मॉल d कैपिटल E प्लस, अब डिफ्रेंशिएशन एक बार प्रेशर को कांस्टेंट मानूंगा और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन करूंगा। सपोज पहले पी को कांस्टेंट मानते हैं और वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, या वी को कांस्टेंट मान लेते हैं और पी का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर? एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें पता है माइनस पी डेल्टा वी होता है। क्लियर? एंड फोर स्मॉल चेंजेस डेल ई, इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? डेल ई फॉर स्मॉल चेंजेस, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल डी। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी वी। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी ई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस पी डी वी प्लस
PDV प्लस VDP। तो डेल्टा H के लिए क्या रिलेशन आ गया आपके पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू कैंसिल आउट VDP। ये हो गया डेल्टा एच का रिलेशन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्लियर? ओके, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क का क्या एक्सप्रेशन होगा इसको अपन बाद में निकालेंगे, उससे पहले अपन कुछ पॉइंट्स पर अपना ध्यान देते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, ध्यान से समझिएगा आप, क्या होती है, CV इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, डेल ई इज इक्वल टू CVdT। क्लियर? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बस समझ में आई। अब देखिए आगे, ध्यान से देखिएगा अब आगे आप, सपोज प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी, क्लियर, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्लियर, एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, या मैं ऐसे लिख दूं, एंड वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू डेल्टा वी, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी, अगर स्मॉल चेंजेस की बात करूं तो डेल्टा वी हो जाएगा। क्लियर? तो पी डीवी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड वी नो, अभी अपन ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी के लिए क्या रिलेशन निकला था, DE इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। क्लियर? या मैं क्या लिख सकता हूं, एंड डेल ई की वैल्यू क्या है, CV DT, डेल ई और W क्या है, इसको हटा दूं मैं अगर, तो पता लग रहा है आपको डेल ई एंड W क्या है बराबर, और डेल ई की वैल्यू क्या है, CV DT, और W की वैल्यू क्या है, माइनस पी डी वी। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्लियर? ये बात समझ में आई? फॉर 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल टू nRT, एन की वैल्यू क्या है, इसलिए पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। क्लियर? यहां से पी की वैल्यू, यहां से पी की वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे, सपोज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन वी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इंटू इक्वेशन नंबर 3। देखिएगा ध्यान से क्या मिल रहा है आपको, CV DT इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, RT अपॉन वी माइनस RT अपॉन वी। क्लियर? DT। क्लियर? ओके, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, CV DT अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस RDT अपॉन वी, सॉरी इट इज DV, यहां पे DV है भाई, RDV। क्लियर?
क्लियर। अब एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाता है। सपोज जो टेम्परेचर चेंज होता है वो होता है T1 से T2 एंड वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2। क्लियर। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 5, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 5, देखिएगा CV इंटीग्रेशन कर दूं T1 टू T2 लिमिट्स है, इट इज DT/T, क्लियर, इज इक्वल टू -R, या इंटीग्रेशन कर दूं V1 टू V2 DV/V, क्लियर। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, इस तरह का 1/T, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln T2/T1 इज इक्वल टू -R ln V2/V1, क्लियर। अगर ln की जगह log 10 की बेस लिखूं तो 2.303 आएगा, दोनों तरफ ln को हटा के log 10 की बेस लिखूंगा मैं, दोनों तरफ 2.303 आएगा, इधर भी 2.303 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, CV log 10 बेस T2/T1 इज इक्वल टू -R log 10 बेस V2/V1, क्लियर। देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं आगे, और log 10 बेस T2/T1 इज इक्वल टू -R/CV इंटू log 10 बेस V2/V1, क्लियर। देखिए आगे, वी नो दैट CP-CV इज इक्वल टू R होता है, क्लियर। दोनों तरफ अगर मैं CV से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा CP/CV - CV/CV इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू R/CV, और ये क्या होता है, CP/CV क्या है, गामा, तो लिख लीजिए γ-1 इज इक्वल टू R/CV, क्लियर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7, क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ R/CV इन इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, तो क्या मिलेगा, देखिए आप log 10 बेस T2/T1, क्लियर। अब देखिए यहां पर माइनस है, माइनस को हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, V1 को ऊपर और V2 को नीचे, क्लियर। और R/CV की वैल्यू क्या है, γ-1 इज इक्वल टू γ-1 इंटू log 10 बेस, उल्टा कर दूंगा V1/V2, क्लियर। लॉग हटाना है, एंटी लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, क्या मिलेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखिएगा क्या मिलेगा आपको, T2/T1 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ऊपर ले जाऊं V1/V2 raised to power γ-1, क्लियर। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन से अपन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए 3 तरह के रिलेशंस निकालेंगे, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा आप, इसको मैं रब करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस इक्वेशन से अपन 3 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस निकालेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं T2/T1
is equal to V1 upon V2 raised to power gamma minus 1. क्लियर? अब इसको मिटा रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा. अब इसी के कंटिन्यूशन में है आगे, ध्यान से देखिएगा. तीन कंडीशंस हो सकती हैं. पहली देखिए, पहली कंडीशन देखिएगा, न तो टेम्परेचर को रिप्लेस करेंगे अपन और न ही वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे. तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखिए V2 को इधर ले जाऊँ, T2 V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1. क्लियर? गामा माइनस 1. क्लियर? मतलब फाइनल और इनिशियल TV का जो मल्टीप्लीकेशन वो है बराबर. दैट मीन्स TV रेस टू पावर गामा माइनस 1 TV रेस टू पावर, ये गामा माइनस 1 जो पावर है केवल V के ऊपर है, T और V के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर नहीं है, केवल V के ऊपर. ध्यान रहेगा, TV रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हो सकता है मैं टेम्परेचर को रिप्लेस कर दूंगा. कैसे रिप्लेस करूंगा? फॉर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, लिखिएगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस. आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? PV इज इक्वल टू RT. क्लियर? यहां से देखिए आप, टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV अपॉन R. क्लियर? तो T2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? P2 V2 अपॉन R इंटू T1 की जगह क्या लिख सकता हूं? P1 V1 इंटू R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1. क्लियर? R से R गया, क्या बचेगा? P2 V2 अपॉन P1 V1. इसको कैसे लिख सकता हूँ? V1 अपॉन V2 रेस टू पावर गामा इंटू V1 अपॉन V2 रेस टू पावर माइनस 1. बेस सेम है, दैट इज V1 और V2 सेम है, तो जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी? ऐड. तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया. क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से आप, P2 अपॉन P1 इंटू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू पावर गामा इंटू माइनस 1 है, प्लस 1 में करना है तो क्या करेंगे? V2 ऊपर, V2 अपॉन V1 रेस टू पावर 1. V2 अपॉन V1 गया. क्लियर? क्या बचा आपके पास? P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू पावर गामा. क्लियर? इसी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, P2 V2 रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू पावर गामा. दैट मीन्स क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास? PV रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द रिलेशन. इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? PV रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यहां क्या आया था? TV रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड PV रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो क्या क्या रिलेशंस आ गए आपके पास अब तक? देखिएगा अपन एक तरफ लिख लेंगे इनको, TV रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट. क्लियर? PV रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट. क्लियर? दो रिलेशंस आ गए. एक और देखिएगा आप, सपोज मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करता हूं. क्लियर? देखिएगा, वही अगेन फ्रॉम आइडियल
गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एन इज इक्वल टू वन है, क्लियर। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी अपॉन पी, क्लियर। रिप्लेस कर दीजिए इसके अंदर, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर टी वन अपॉन पी वन इंटू वी टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर टी टू अपॉन पी टू रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर। आर से आर गया, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी वन पी टू अपॉन पी वन टी टू रेस टू पावर गामा माइनस वन। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू बेस अलग अलग है, टी वन अपॉन पी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर, इंटू पी टू अपॉन टी टू रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर लिखेंगे अपन, क्लियर, टी वन अपॉन टी टू रेस टू पावर गामा माइनस वन, ऐसे ही पी टू अपॉन पी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा, देखिएगा, इस वाली टर्म को मैं अगर इस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, टी टू अपॉन टी वन इंटू नीचे गया माइनस, इसका मतलब टी टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, दैट इज टी टू अपॉन टी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर, इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, बेस सेम है, टी टू अपॉन टी वन मीन्स इसके ऊपर क्या पावर है, वन, इसका मतलब प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टी टू अपॉन टी वन रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन, गामा माइनस वन, क्लियर। तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है इससे, देखिए ध्यान से, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं तो पी वन चले जाएगा टू के साथ, जबकि टू के साथ क्या चला जाएगा, वन, होना क्या चाहिए, सेम। इसका लो मैं इसको क्या कर दूं, उल्टा, इसका मतलब कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखिएगा, टी टू अपॉन टी वन रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू रेस टू पावर माइनस, हो गया क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा, इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लग जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और गामा क्या हो जाएगा, माइनस, क्लियर। अब मल्टीप्लाई मैं कर दूं इसको तो टी टू रेस टू पावर गामा इंटू पी टू रेस टू पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू टी वन रेस टू पावर गामा इंटू पी वन वन माइनस रेस टू पावर वन माइनस गामा, और समझ में आई, दैट मीन्स टी रेस टू पावर गामा इंटू पी रेस टू पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। ये नेक्स्ट रिलेशन आपके लिए निकल के आया है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिलेशन क्या हो गया, टी रेस टू पावर गामा एंड पी रेस टू पावर वन माइनस गामा, गामा माइनस वन नहीं है, वन माइनस गामा है, क्लियर, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन रिलेशंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर डेरिवेशंस आल्सो, क्लियर। होप आपको यहाँ तक समझ में आई बात। अब अपन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैंने बताई दिया है आपको, फिर भी अपन इसको एक फॉर्मली लिख लेते हैं एक बार।
ओके, वर्क का एक्सप्रेशन आप लिखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा। हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू कितना भाई, वर्क डन इज इक्वल टू सीवी डीटी, क्लियर। और सीवी की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, हमें पता है आर अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा माइनस वन, क्लियर। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन गामा माइनस वन। यहां से सीवी की वैल्यू क्या है, यहां पुट करिए डब्ल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टेम्परेचर। सपोज जो टेम्परेचर चेंज है वो टी वन से टी टू हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन, टी टू माइनस टी वन। दिस इज वर्क एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर एडियाबेटिक फॉर एडियाबेटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्क एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, क्लियर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। और V का रिलेशन कहां से मिलेगा आपको, आइडियल गैस इक्वेशन से। यहां से आप लिख लीजिए इसका एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, V2 क्या हो जाएगा, सपोज n इज इक्वल टू वन है और r कॉन्स्टेंट है ही, तो r तो बाहर आ जाएगा, क्लियर। क्या बचेगा आपके पास, t2 अपॉन p2 माइनस t1 अपॉन p1, दिस इज फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, क्लियर। ये बात किसकी हुई, फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की, फॉर फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फॉर ये किसकी बात हुई, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन फॉर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इंटू डेल्टा वी। इफ दिस इज जीरो देन डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो अपन ने बात करी आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो अपन ने प्रोसेस करी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।